अग्निवीर योजना को लेकर उन्होंने कानून तो बना दिया, लेकिन जो लुभावना वादा युवाओं से किया था उस वायदे पर कोई कानून नहीं है। सांसदों ने, विधायकों ने खूब प्रचार प्रसार किया था अग्निवीर का, लोग जब भड़के तो उनको समझाने की बात की थी। क्या लगता है कि इस अग्निवीर से इस दक्षिणी हरियाणा को कितना नुकसान होगा, यहाँ के जो नेता है, दिग्गज नेता है, उनको कितना नुकसान होगा? कि जिस देश में सेना जैसी सर्वोच्च सम्मान की नौकरी को भी जो सरकार ठेके पर रखने लग जाए और कहे कि हमारे पास जवानों और जवानों की पेंशन और आर्थिक सुरक्षा के लिए, तनख्वाह के लिए पैसा नहीं है, और वहीं अडानी अंबानी के करोड़ों अरबों माफ हो जाए, तो ये कहाँ का न्याय है? विधायक, यहाँ के सांसद, किस तरह से आप उनको देखते हैं, लोगों के बीच में आते हैं, और अग्निवीर को लेकर उनका क्या रुख है? अग्निवीर योजना पर चुप रहते हैं, यहाँ के युवाओं का भविष्य चौपट कर दिया जाता है, सरकार से उफ तक करने की उनकी हिम्मत नहीं होती। तेजपाल के मन में क्या आया? कभी वो क्रेशर के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, अब अग्निवीर के खिलाफ कई राजनीतिक मंच तो तैयार नहीं कर रहे हैं तेजपाल। अग्निवीर योजना को लेकर देश भर में प्रदर्शन हुआ था, अब फिर से अग्निवीर योजना के खिलाफ चिंगारियां उठने लगी है। इंजीनियरिंग तेजपाल अब फिर से एक यात्रा निकाल रहे हैं और इलाके के लोगों को, युवाओं को अग्निवीर के खिलाफ जगा रहे हैं। तो तेजपाल जी, किस तरह से देखते हैं अग्निवीर योजना को आप? देखिए पत्रकार साहब, आज से लगभग 12-13 महीने पहले अग्निपथ योजना लाकर भाजपा सरकार ने युवाओं के सुनहरे भविष्य पर चोट किया था, और अग्निवीर योजना के तहत युवाओं को एक, मतलब एक तरह से ये समझिएगा कि सेना की सर्वोच्च सम्मान की नौकरी पर भी, नौकरी को भी कच्चे पर रख दिया गया था, और कहा गया था कि 4 साल की नौकरी के बाद 25% युवा पक्के होंगे और 75%, 3/4 को घर भेज दिया जाएगा। और जब वो आंदोलन खड़ा हुआ था उस समय, तब इलाहाबाद में, पटना से या रामलीला मैदान दिल्ली से, तमाम अहिरवाल में भी वो आंदोलन बहुत मजबूती से उठा था, और उस आंदोलन को दबाने के लिए, उस आंदोलन को शांत कराने के लिए उस समय के तमाम भाजपा विधायक, सांसद, मंत्रियों, मुख्यमंत्री और भाजपा के तमाम बड़े बड़े नुमाइंदों ने ये बात कही थी कि अग्निवीर योजना के तहत जिस नौजवान को घर भेजा जाता है, उसको घर आने पर, वापस घर भेजे जाने के बाद किसी भी सरकारी नौकरी में आवेदन करने पर उसको एक्स सर्विसमैन कोटा के तहत उसको 5%, 10% या आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन अभी तक कोई लिखित में कानून नहीं है, क्योंकि ये देश सांसद, मुख्यमंत्रियों, प्रधानमंत्री के जुबान से नहीं चलता है, विधायकों की जुबान से नहीं चलता है, ये देश बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान और लिखित में बने कानून से चलता है। अग्निवीर योजना को लेकर उन्होंने कानून तो बना दिया, लेकिन जो लुभावना वादा युवाओं से किया था उस वायदे पर कोई कानून नहीं है। इसका मतलब अहिरवाल को तो एक तरह से बेरोजगारी के दंश में धकेल दिया, अहिरवाल ही नहीं अभी तो पूरे देश को बेरोजगारी के दंश में धकेल रहे हैं। सांसदों ने, विधायकों ने खूब प्रचार प्रसार किया था अग्निवीर का, लोग जब भड़के तो उनको समझाने की बात की थी। क्या लगता है कि इस अग्निवीर से इस दक्षिणी हरियाणा को कितना नुकसान होगा, यहाँ के जो नेता है, दिग्गज नेता है, उनको कितना नुकसान होगा? देखिए पत्रकार साहब, अगर मैं इस क्षेत्र की बात करूं तो अहिरवाल क्षेत्र जो है उसकी इकोनॉमी पूरी सर्विस बेस्ड है। यहाँ घर घर में फौजी पाए जाते हैं, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के जवान पाए जाते हैं, खेती किसानी इतना फायदे का सौदा है नहीं। आज किसान बेचारा फसल के सही दाम को तरस रहा है, और उसी किसान के बेटे जवान को अगर बेरोजगारी के दंश में धकेला जाएगा तो फिर ये कहाँ का न्याय है? सबसे ज्यादा असर तो इस क्षेत्र पर पड़ेगा, क्योंकि इस क्षेत्र की पूरी इकोनॉमी चौपट हो जाएगी। और मैं एक चीज पूछना चाहता हूं कि जिस देश में सेना जैसी सर्वोच्च सम्मान की नौकरी को भी जो सरकार ठेके पर रखने लग जाए और कहे कि हमारे पास जवानों और जवानों की पेंशन और आर्थिक सुरक्षा के लिए, तनख्वाह के लिए पैसा नहीं है, और वहीं अडानी अंबानी के करोड़ों अरबों माफ हो जाए, तो ये कहां का न्याय है? ये युवाओं के साथ एक बहुत बड़ी चोट की जा रही है, एक तानाशाही का रवैया सरकार द्वारा अपनाया जा रहा है। आपने कब से यात्रा शुरू की, कहां तक जा रहे हैं, और इसका समापन कहां होगा, किस तरह से होगा, क्या कुछ बड़ा जनसभा की जाएगी, या लोगों से इसी तरह से आप गांव में जाकर रूबरू होते रहेंगे? देखिए पत्रकार साहब, अगर इस यात्रा की बात करूं तो 10 तारीख को ये यात्रा दोहान 25 क्षेत्र के गांव गोद से कल ही शुरू हुई थी। आज 11 तारीख को हम निजामपुर गांव में खड़े हैं, 17 तारीख तक ये यात्रा चलेगी। इस यात्रा का एक ये शुरुआत है लोगों को जगाने की, यात्रा के माध्यम से, कि जब भाजपा के जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद गांव में आए तो उनका पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाए, और सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार हो, लोग खड़े हों सरकार के खिलाफ में, गलत नीति के खिलाफ में, अग्निवीर योजना के खिलाफ में, इस बढ़ते निजीकरण के खिलाफ में। यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद, किस तरह से आप उनको देखते हैं, लोगों के बीच में आते हैं, और अग्निवीर को लेकर उनका क्या रुख है?
देखिए यहाँ के जो विधायक हैं उनकी सीधी सी एक उनका सीधा एक एजेंडा सेट है अगर मैं बात करूं तो, क्योंकि वो 60 साल तक तो यहाँ के जो विधायक हैं वो वीआरएस लेके आए थे नौकरी से, 60 साल तक तो वो नौकरी में व्यस्त रहे, कभी उन्होंने नांगल चौधरी की तरफ मुड़कर नहीं देखा, उसके बाद वो जनसेवा का ढोंग करते हैं, अग्निवीर योजना पर चुप रहते हैं, यहाँ के युवाओं का भविष्य चौपट कर दिया जाता है, सरकार से उफ तक करने की उनकी हिम्मत नहीं होती, किसान आंदोलन में उल्टा किसान आंदोलन में सरकार के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। तो उनकी एक मंशा है कि विधायक सांसद और मतलब राजनीतिक पद पाने की मंशा है, एक लोभ है, एक स्वार्थ है, वो पार्टियों के पैरविकार है, जनता के पैरविकार नहीं। अब तो वो लोकसभा की तैयारी भी कुछ कर रहे हैं, दोंगड़ा हीर में एक रैली कर रहे हैं, सब पूरे जिले स्तर की रैली है, क्या लगता है कि वहां भी अग्निवीर जैसे मुद्दे हैं वो उठेंगे? मुझे लगता है जहां जहां इंकलाब की चिंगारी उठेगी वहां लोग सवाल करना शुरू करेंगे, और दोंगड़ा हीर में तो अभी खट्टर साहब का विरोध भी हुआ था कुछ समय पहले, आपको पता है, वो उप तहसील के मुद्दे को लेकर, तो अहिरवाल धीरे धीरे उठ खड़ा हो रहा है, और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कल जिस तरह से समर्थन मिला हमारी यात्रा को, गोद गांव में, बला गांव में, खालडा गांव में, कोरियावास गांव में और भाकरी गांव में, इससे लगता है कि युवा खड़े होंगे और सवाल करना सीखेंगे और आंदोलन की पृष्ठभूमि को तैयार करेंगे। तेजपाल के मन में क्या आया, कभी वो क्रेशर के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, अब अग्निवीर के खिलाफ कई राजनीतिक मंच तो तैयार नहीं कर रहे हैं तेजपाल? देखिए पत्रकार साहब, मेरा एक मानना है कि लड़ाई जो है वो तो सामाजिक और राजनीतिक रूप से लड़नी चाहिए, राजनीति कोई बुरी चीज नहीं है, राजनीति तो जनसेवा का उच्चतम माध्यम है, मैंने खुद 2019 का चुनाव लड़ा हुआ है, राजनीति तो लाल बहादुर शास्त्री ने की थी, राजनीति तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, राजनीति तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद साहब ने, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने भी की थी। हम मैदान को गलत नहीं ठहरा सकते हैं, किसी भी कोई मैदान गलत नहीं होता है, मैदान में लड़ने वाली लड़ाई का आकलन इस बात से किया जाता है कि आपने गोली पीठ पर खाई कि आपने छाती पर खाई। ये इलाका जानता है कि बेहतर स्टोन क्रेशर बंद कराने का आदेश हो, चाहे क्रेशरों पर न्यूनतम 70 करोड़ जुर्माना कराने का आदेश हो, कि तेजपाल भाई एक निर्भीक ईमानदार आवाज है, और मेरा तो जीवन की जितनी भी सांस बची है वो जनसेवा के लिए समर्पित है, उसके लिए जनता चाहेगी राजनीतिक रूप से लड़ा जाए तो जरूर लड़ेंगे, और मेरे को तो इतनी धमकियां मिल झेली है मैंने क्रेशर माफिया से, खनन माफिया से, अब मैं डरने वाला नहीं हूं, ना पहले डरा ना आगे डरूंगा, ना झुकने वाला हूं, और इस सरकार को साफ चेतावनी देना चाहते हैं कि तुम्हारी बदमाशियों के आगे युवा नहीं झुकेगा, तुम्हारी तानाशाही दमन के खिलाफ ये युवा खड़ा हो गया है, वो समय दूर नहीं जब तुम्हें जड़ से उखाड़ फेंकेगा। चिंगारी आपने लगा दी है, सरकार धुलमुल रवैये की बात करती है, क्या यहाँ के युवा, यहाँ इस इलाके के लोग अग्निवीर के खिलाफ कोई आंदोलन करेंगे? मुझे लगता है जरूर करेंगे, अभी तो हमारा जन जागरण चल रहा है, जन जागृति हम कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि पहले एक हम लोगों को जागृत करें, अगर जैसे आंदोलन की रूपरेखा बनती है, आगामी रणनीति तैयार होती है, तो जरूर करेंगे जैसा लोग चाहेंगे। और मुझे लगता है जिस तरह से कल समर्थन मिला पत्रकार साहब, मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं जब जरूर आंदोलन खड़ा होगा, और जरूर वो समय आएगा जब लोग कहेंगे कि अहिरवाल शांत इलाका नहीं है, अहिरवाल इन तानाशाही भाजपाइयों के खिलाफ में खड़ा होना सीख गया है, ये वही अहिरवाल है जहां सभी जातियों के, सभी धर्म के, सभी लोगों ने नसीबपुर की मैदान में स्वर्गीय राव तुलाराम जी के नेतृत्व में अंग्रेजों को धूल चटाई थी। तो अहिरवाल कुछ समय से आंदोलन की पृष्ठभूमि से गायब है, मैं मानता हूं, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं कि 25-30 वर्ष से आंदोलन की पृष्ठभूमि नहीं रही, लेकिन वो जमीन फिर से तैयार हो रही, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। क्या ये मामला लगता है कि सरकार के खिलाफ कभी कोर्ट में जाएगा, जो अग्निवीर के जो शहीद हो जाते हैं जो लोग, उनको फैसिलिटीज नहीं मिलती, या 5 साल के बाद जो रिटायर आ जाते हैं, क्या कोई ऐसा कानून है कि उन लोगों को, जैसे सीएसडी की फैसिलिटी होती है, उनके इलाज की फैसिलिटी होती है, या उनके बच्चों को कोई कोटा अलग से दिया जाता था, वो मिलेगा कभी ऐसा? नहीं, अभी जो अग्निपथ योजना है इसके तहत तो उन्होंने कह दिया कि 4 साल के बाद 3/4 लोगों को 75% को घर भेज दिया जाएगा, तो इसका मतलब वो 75% तो आप समझिए पत्रकार साहब कि वो तो मेडिकल फैसिलिटीज है, सीएसडी कैंटीन फैसिलिटीज है, पेंशन फैसिलिटीज है, और शहीद के सम्मान भी उसको नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिएगा कोई जवान, भगवान न करे, बॉर्डर पर शहीद हो जाए, कोई किसी के जिगर का लाल, कोई माँ का कौन माँ अपने बेटे को फौज में भेजना पसंद करेगी, आप सोचिए, शहीद का सम्मान तक नहीं मिलेगा। ये इस तरह की घटिया और बहुत ही तानाशाही भरा कदम है सरकार का, इसे वापस लेना होगा, और इसे जल्द ही जल्द इसे वापस लेकर एक वास्तव में अच्छा कदम सरकार को लेना चाहिए, जिसे युवाओं का भविष्य फिर से सही बना रहे। वैसे बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, अगर ये योजना सरकार ने वापस समय रहते नहीं ली तो फिर तो सब
भविष्य युवाओं का विचारों का चौपट हो जाएगा, इस बात की मुझे बहुत चिंता है और इसीलिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। युवाओं के भविष्य को लेकर चिंता व्यतीत करते तेजपाल यादव लगातार गांव का दौरा कर रहे हैं और अग्निवीर योजना के खिलाफ सरकार को चेता रहे हैं। अब देखना होगा कि सरकार इस योजना के ऊपर कुछ अमलीजामा पहनाती है या यूं ही युवा 4 साल के लिए फौज में जाते रहेंगे। हरियाणा तक के लिए महेंद्रगढ़ से नवीन यादव।